देवताओं ने कहा आपका स्वरूप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा माता जी का पूजा हो गया है। और देखिए तो चलते हैं हम चाय वाय बनाने। बने रहिए तब तक आप हमारे ब्लॉग में। हमारा पास्ता उबल चुका है, बढ़िया से उसको धो लिया है मैंने। और ना प्याज तो डालना है नहीं, तो टमाटर, ये हमारे टमाटर और इस मिर्ची को काट लेंगे। इधर मैंने मिर्ची और टमाटर दोनों काट लिया है। अब कढ़ाई बैठा, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम सरसों तेल में बनाएंगे, हरा मिर्ची ऐड करेंगे। ये हमारा मिर्ची लाल हो गया है, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसमें मैं नमक ऐड करूंगी अभी ही, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। थोड़ा सा सोया सॉस इसमें डालेंगे हम। तो ये टमाटर हमारा पूरा बढ़िया से भुंजा गया है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा एकदम। और ये मैगी का मसाला ऐड करेंगे, मैगी मसाला में बनाएंगे हम पास्ता को। सारा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा केचप, टोमेटो केचप। पास्ता को मैंने धोकर छान लिया था, इसमें ऐड कर देंगे अपना पास्ता। मिक्स कर लेंगे। मेरे पास सूख रहा था, इसको भी देखो थोड़ा सा डाल देते हैं। इधर हमारा पास्ता रेडी है। ये पास्ता हम अब खाने के लिए निकाल लेंगे। सानवी के पापा के लिए निकाल दे रहे हैं और ये मेरे लिए निकाल दे रहे हैं। देखिए हमारा सब लोग के लिए पास्ता निकल के रेडी है। हम लोग जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लीजिए पास्ता। इधर मैंने सारा कपड़ा डाल लिया है और इधर गद्दा भी डाले हैं। धूप में, धूप लग जाएगा तो फिर इसको डाल देंगे बिछाने। तब तक इसको पहले पलट लेते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं खाना बनाने जा रहे हूँ। तो ये गोभी आलू का सब्जी बनाएंगे हम। इधर कढ़ाई बिठा दिया मैंने और तेल भी हमारा गर्म हो गया। इसमें मिर्ची पचफोरन डाले हैं और इसमें इसको डाल देते हैं। इसको हम मसाला तैयार कर लेंगे। दो टमाटर है और हरा मिर्च है और अदरक लेंगे, पीस लेते हैं पहले इसको हम। अदरक को काट लेते हैं पहले हम इसमें मिक्सर जार में। मिर्ची को छोटा छोटा पीस में डाल रहे हैं करके। और दो तीन मिर्च ना उसमें कढ़ाई में भी डाला था पहले मैंने। ये टमाटर हमारा कट चुका है, इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा पिसा चुका है टमाटर और अदरक। और ये सब्जी भी हमारा भुजा गया है, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। अब
अब इसमें हम सारे अपने बेसिक वाले मसाला डालेंगे, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये रेड चिली पाउडर है, सब्जी मसाला, ये मिर्ची पाउडर सारा ऐड कर देंगे इसमें हम। इसको बढ़िया से भून लेंगे, थोड़ा सा। तो इधर हमारा मसाला भून चुका था, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको उतारेंगे। जैसे मैंने आटा भी, तो यहाँ पे हमारा सब्जी हो गया है, हरा धनिया डाल देंगे इसमें हम, देख सकते हैं आप हमारा सब्जी। तो फ्रेंड्स इधर हमारा खाना निकल चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लीजिए। इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।